बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राजराव, देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी 19 से 22 के पार्ट वन के लिए एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख भी घोषित कर दी है और वहीं एग्जाम की तिथि और रूटीन भी जारी कर दी है। एग्जाम की तिथि और रूटीन पर बहुत सारे छात्र छात्राओं को यह संशय हो रहा है कि क्या सच में 1 तारीख से एग्जाम शुरू हो पाएगा। तो अब एग्जाम की रूटीन और तिथि कन्फर्म तिथि जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे वो आ गई है, फिर भी आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो कन्फ्यूज़न को थोड़ा साइड कीजिए, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम शुरू होगी, रूटीन जारी कर दी गई है, फिर भी आपको भरोसा नहीं होगा तो फिर आप लोग फिर पढ़ाई आप क्यों कर रहे हैं। ऐसे भी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी लेट कर चुकी है, परीक्षा की तिथि जारी हुई तो बहुत बेहतर है, आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए। वहीं कुछ छात्र जो व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं या पीडीएफ के मामले में, तो उनको अब तक रिप्लाई नहीं मिला है। लगभग 100-150 छात्राओं को रात रिप्लाई मिला था, लेकिन और भी है जो पेंडिंग है, तो मैं आपको आज रात तक पूरी कोशिश करूँगा कि सभी को रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैं शिवहर में हूँ और अभी मुजफ्फरपुर निकलने वाला हूँ तो थोड़ा दिन में बिजी रहूँगा। तो रात को हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है रिप्लाई किया जाए, या दोपहर में हमें समय मिलेगा तो हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई सभी को मिलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एडमिट कार्ड की हम बात करते हैं, उससे पहले आपको पता है कि 25 तारीख तक वैसे छात्र छात्राएं जो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे वो परीक्षा फॉर्म भरेंगे, और उनको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यही वाला लिंक है, आप देख पा रहे हैं। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे पार्ट वन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए लिंक पर, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, रेगुलर और फेल्ड पार्ट वन फॉर्म, वहीं प्रमोटेड वाले के लिए यहाँ पर अलग है। तो आप प्रमोटेड हैं तो यहाँ पर इस लिंक से आप फॉर्म भरेंगे, वहीं आप रेगुलर हैं मतलब 19 से 22 के ही है, या आप किसी और सेशन के हैं और आपका रिजल्ट पार्ट वन फेल हो गया था, तब आप जो है ये वाला जो है कॉलम आप चूज़ करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद से लॉगिन करना है। एक चीज़ और, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर में 2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि बगैर मान्यता वाले कॉलेजों के छात्र भी दे सकेंगे परीक्षा, दूसरे कॉलेज से भरेंगे फॉर्म। मतलब यहाँ पर यह है कि जो ननफ्लिट कॉलेज वाले छात्र छात्राएं थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको दूसरे कॉलेज में वो टैग कर करके परीक्षा फॉर्म भरेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि यदि आप ननफ्लिट कॉलेज वाले हैं तो आप अपने कॉलेज से एक बार बात कीजिए कि क्या हमें फॉर्म भरना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने 2019 में मान्यता नहीं होने के बावजूद नामांकन लेने वाले कॉलेजों पर बिहार विश्वविद्यालय ने कार्रवाई की है। इन कॉलेजों के छात्रों की स्नातक पार्ट वन की परीक्षा तो ली जाएगी, लेकिन दूसरे कॉलेज से टैग कर फॉर्म भरेंगे। कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे ने छात्र हित में दूसरे कॉलेज से टैग करने का आदेश दिया है विश्वविद्यालय के अनुसार। और भी चीज़ें हैं, इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और ननफ्लिट कॉलेज वाले हैं तो आप इसको जो है पढ़ लीजिए, बहुत यहाँ पर टाइम लग जाएगा यदि हम पूरी डिस्क्रिप्शन को पढ़े तो। लास्ट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है कि ताकि इन 18 कॉलेजों के साथ वंचित रह गए छात्रों का फॉर्म जो है भराया जा सके। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, आप देख लीजिए कुछ कॉलेज को टैग किया गया है, जैसे कि डॉक्टर गणेश राय डिग्री कॉलेज सीतामढ़ी के छात्र छात्राओं को टैग किया गया है यहाँ पर SRKG कॉलेज सीतामढ़ी से। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो REM कॉलेज डिग्री कॉलेज मोतिहारी जो है उनको LND कॉलेज मोतिहारी से टैग किया गया है। ये वाला जो कॉलेज है जिसमें छात्र छात्राएं एडमिशन लिए थे उसको ये वाला कॉलेज में जो है वह टैग किया गया है। तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। हम शाम को एक वीडियो देंगे जिसमें आप खुद चेक करेंगे अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके कि आपके फॉर्म का जो है स्टेटस क्या है, आपका फॉर्म वेरीफाई है कि नहीं है, आप किस तरीके से चेक करेंगे वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। और वहाँ पर यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट लिख रहा है तो आपको जो है एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपको दोबारा भरना पड़ेगा और फिर से सबमिट करना पड़ेगा। रहा बात एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड जो है आप लोग को 27 तारीख के बाद ही आप लोग को एडमिट कार्ड दिया जाएगा। 28, 29, 30 तारीख तक, ये 3 दिन के बीच में आप लोग को एडमिट कार्ड दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए आपको अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपने वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाल देंगे और वो बोलेंगे कि आप खुद डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कर करके आप इसको कॉलेज में लाइए, वहाँ पर प्रिंसिपल से या एग्जामिनेशन कंट्रोलर से साइन करवाना पड़ेगा, कॉलेज का मोहर लगेगा, वो एडमिट कार्ड आपका वैलिड हो जाएगा, बिना साइन और मोहर के एडमिट कार्ड वैलिड नहीं होगा। लेकिन कुछ कॉलेज है, कुछ नहीं बहुत अधिकतर कॉलेज है जो आपको बुलाएगी, वहाँ पर जा करके आपको एडमिट कार्ड कॉलेज से लाना पड़ेगा। उसके साथ जो आपने परीक्षा फॉर्म भरा था, जो रसीद आपको मिला था, वो रसीद आपको लेकर के जाना पड़ेगा, तभी आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम से संबंधित बातें तो बहुत है, हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच एग्ज़ाम शुरू होने से पहले लाइव आए और आपके सवालों का जवाब दें
और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम देने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।